क्यों से तुम्हारे हाथ प्लास्टर लगाया ऐसे? यस ये जापान के तमिलनाडु से थोड़ा काला है। जापान के तमिलनाडु से ये सोमालिया से है, ठीक है। अच्छा ये एक चीज और दिखाता है, उठो इधर आओ। जापान में लोग आजकल पैंट नहीं पहनते। बहुत गर्म होता है। क्यों से तुम्हारे हाथ प्लास्टर लगाया ऐसे? फिर से एक नई वीडियो पर दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद फ्लोरिना गोगोई से रिलेटेड अपडेट आप लोग को दे रहा हूं दोस्तों। तो इनके बारे में बहुत ही अच्छा खबर है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों। इनका एक बहुत ही अच्छा एल्बम आ रहा है। जी हां दोस्तों, एक असमिया सिंगर के साथ इनका एल्बम आ रहा है, जो कि आप लोग को देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इसमें सिंगिंग डांसिंग दोनों मिक्सिंग है गाइज, और फ्लोरिना गोगोई है इसमें, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ कि फ्लोरिना गोगोई का इंस्टाग्राम में लगभग 1 मिलियन कम्प्लीट होने वाले हैं, और अगर इनका सिंगर का देखा जाए तो 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख इनका फॉलोवर्स है। और फ्लोरिना गोगोई को देखा जाए तो 1 मिलियन, लगभग हम बोल सकते हैं 1 मिलियन है। तो अगर कोई फ्लोरिना गोगोई से गोगोई के साथ वीडियो बनाता है या फिर कुछ कर एल्बम बनाता है, तो वो फ्लोरिना गोगोई को नहीं, उनको ही फ़ायदा है, ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए। क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो चुकी है, इतना नाम बना चुकी है कि इनके साथ ही छोटी से बच्ची के साथ लोग आ रहे हैं, मतलब कलाकार आ रहे हैं इनके साथ परफॉर्म करने, इनके साथ एल्बम बनाने। तो सोच सकते हैं आप कि कितना ऊपर लेवल वो जा चुकी है। और दोस्तों इनके बारे में मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊँ कि इनके अंदर थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं आया है। अगर मैं बात करूं कि किस तरह का एटीट्यूड छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची किस तरह का एटीट्यूड दिखाएगी, तो देखिए किसी के साथ भी मिलती है, किसी के साथ भी बातचीत करती है, लेकिन उस तरह का फील आप लोग को नहीं आएगा। लेकिन बहुत बच्चे में इस तरह से देखा जाता है कि क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एटीट्यूड दिखाते हैं, बस इसके अंदर वो चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा अगर मैं आप लोग को बात बताऊँ तो यहाँ पर क्या है, जितना भी इंस्टाग्राम आईडी है इनके नाम पे, वो कभी भी वो लोग को कुछ भी नहीं बोलती है, ब्लॉक नहीं करती है, कभी भी उनका चैनल जो इंस्टाग्राम आईडी है बंद नहीं करवाती है। इसी दम के आगे वो आज आगे बढ़ी है। क्यों? क्योंकि उनका जब चैनल हैक हुआ था, लगभग आईडी हैक हुआ था, तब उन जो अदर अकाउंट था, अदर उनका था, ठीक है, और उससे ही वो चल रहा था। फ्लोरिना गोगोई तब भी फेमस थी और अब भी फेमस है। तब कैसे फेमस थी? जो वो लोग अपना अपना डाल रहे थे, और फ्लोरिना गोगोई को जितना भी था उनका डाटा था वो लोग अपलोड करके रखे थे, ठीक है, यही चीज़ है। और उसके वजह से ही फ्लोरिना गोगोई को आज उनका जितना भी वीडियोस है, जितना भी वो परफॉर्म किए थे, की थी, तो वो सब कुछ उनको मिल गया उस तरह से, ठीक है। इसलिए वो कभी भी अपना दूसरा का आईडी को कभी भी ब्लॉक वगैरह नहीं करवाती है, और उनको वो प्रोत्साहन देती है, अपने स्टोरी पे वो डालती है। तो इस तरह का है फ्लोरिना गोगोई दोस्तों। और ये जस्ट अभी बहुत ही अच्छा एल्बम आने वाला है, एक बहुत ही अच्छा सिंगर के साथ। जो कि आप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यही आप लोगों को मैं बताना था दोस्तों, अपडेट देना था, छोटा सा अपडेट। जब भी इनका एल्बम आएगा मैं आप लोग को तुरंत बता दूंगा वीडियो बना के। और फ्लोरिना गोगोई को आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस वीडियो को जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, क्योंकि इससे पहले वीडियो, पिछला वीडियो में भी बहुत सारा प्यार था, सपोर्ट था आप लोग का। जितना भी मैं फ्लोरिना गोगोई से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ, आप लोग का प्यार देखने को मिलता है। आई होप आज भी इस वीडियो को आप लोग प्यार देंगे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों, फ्लोरिना गोगोई से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों।